हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री वाजिब, कक्षा 11 का लेसन। इसका टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन। पिछली वीडियो के अंदर हमने समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था, तो ये दूसरा प्रकार है विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये पादपों की और जंतुओं की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर और थैलोफाइटा के जो थैलोफाइटा समूह हैं, ग्रुप है पादपों का, उसके जाइगोट के अंदर, उसके युग्मनज के अंदर होता है, जिससे युग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है या फिर कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि जनन केंद्र भाग लेती है, ठीक है। और इस विभाजन के द्वारा जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्रोमोसोम का नंबर जो वो हाफ हो जाता है, अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अगर द्विगुणित कोशिका है तो उससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है जीवों के अंदर, जन्म कोशिकाओं के अंदर होने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है और इसके जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ओके। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये दो चरणों के अंदर पूरा होता है, दो स्टेप के अंदर पूरा होता है। सबसे पहले होगा विभाजन अवस्था और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन, पहले केंद्र का विभाजन होगा फिर उसके बाद। अच्छा, इसको भी हम पहले वहीं से मान सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो भागों के अंदर होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, दो भागों के अंदर इसको बांट सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा पहले, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और अर्धसूत्री जो विभाजन फर्स्ट है उसमें भी आगे दो स्टेप है, अर्धसूत्री विभाजन में भी दो स्टेप है, पहले केंद्र का विभाजन होगा उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, पहले केंद्र के विभाजन उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन। और केंद्र के विभाजन है उसके अंदर हमने देखे थे जैसे समसूत्री विभाजन में थे, तो इसमें चार अवस्थाएं होती हैं। केंद्र के विभाजन में चार अवस्थाएं हैं, सबसे पहली अवस्था प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज, ठीक है। तो ये चार अवस्थाएं इसके अंदर आएंगी और प्रोफेज अवस्था इसमें भी आगे पांच उप अवस्थाएं हैं। प्रोफेज के अंदर पांच उप अवस्थाएं हैं, सबसे पहली है लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यानी जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें सीक्वेंस क्या रहेगा कि सबसे पहले जो है केंद्र विभाजन फर्स्ट होगा, उसकी प्रोफेज अवस्था आएगी, तो प्रोफेज में सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये अवस्थाएं कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है अगली अवस्था आएगी मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट के बाद जो है कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, यहाँ पर जो है दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें विभाजन होगा तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब जो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या आती रह जाती है। तो मेन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो यही है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर हाफ हो जाता है इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद, तो उससे दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी जो अगुणित होगी और उसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा, और कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड स्टार्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर सबसे पहले इसमें दो अवस्थाएं, सबसे पहले केंद्र विभाजन होगा, केंद्र विभाजन के अंदर फिर ये अवस्थाएं आएगी, पहले प्रोफेज सेकंड, फिर मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, फिर टेलोफेज सेकंड, ठीक है। तो ये अवस्थाएं आएंगी, इन अवस्थाओं के बाद फिर आगे कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड होगा। तो जो ऊपर दो कोशिकाएं बनी थी दोनों के अंदर ये अवस्थाएं चलेगी, तो दो से जब अर्धसूत्री विभाजन होगा सेकंड, तो फिर चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के अंदर दो बार केंद्रीय विभाजन होता है, दो बार कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसे चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में दो ही कोशिकाएं बनती थी क्योंकि उसमें एक बार ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता था, इसमें दो बार कोशिका द्रव्य विभाजन होता है इसलिए इसमें चार कोशिकाओं का निर्माण होता है।
इसमें मेन जो है वो अर्थ विभाजन फर्स्ट है जिसके अंदर मूल सूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और अर्थ विभाजन जो सेकंड है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होता है। जैसे समसूत्री विभाजन होता है सेम वही पैटर्न के अंदर वही चीज़ जो इसके अंदर अर्थसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर। ठीक है, अब हम इस चार्ट के अंदर जो एक्सप्लेन किया है इसको एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोफेज अवस्था को पढ़ेंगे, प्रोफेज के अंदर ये अवस्थाएं हैं कि इनको पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज एनाफेज इनको पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको अब प्रोफेज फर्स्ट से। आगे हम देख रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट अवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और उसके अंदर केंद्र के विभाजन फर्स्ट, और केंद्र के विभाजन के अंदर सबसे पहली और अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है ये इस अर्धसूत्री विभाजन की सर्वाधिक लंबी अवस्था है और सर्वाधिक जटिल अवस्था है। बहुत अधिक जटिल और सर्वाधिक लंबी अवस्था है ये प्रोफेज फर्स्ट, और इसको अध्ययन की दृष्टि से जो है आगे पांच उप अवस्थाओं के अंदर बांटा गया था। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी उप अवस्था है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन या तनुपट अवस्था इसको कहते हैं। ये सबसे पहली इसकी अवस्था है प्रोफेज अवस्था की। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इससे पहले जो है इंटरफेज स्टेज थी, अंतरावस्था थी, अंतरावस्था के बाद ये वाजन अवस्था आई है, और इसमें सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन अवस्था के अंदर क्या होता है, जो केंद्रक है उसके आकार के अंदर उसके आयतन के अंदर वृद्धि होती है। इस अवस्था के अंदर केंद्रक के आयतन के अंदर वृद्धि होती है, जिससे केंद्र का आकार जो है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो जल को त्याग करके और कुंडलित होकर के संघनित होकर के लंबे पतले धागे समान संरचनाओं के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो है वो लंबे पतले धागे समान रूप से दिखाई देते हैं इस अवस्था के अंदर। यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये लेप्टोटीन स्टेज है। ये बाहर कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्र की झिल्ली है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये सारी संरचना लेबल है इसमें। और इसी अवस्था के अंदर, लेप्टोटीन अवस्था के अंदर जो है इन गुणसूत्रों के ऊपर जो लंबे पतले गुणसूत्र है इसके ऊपर कुछ मोतियों के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनके ऊपर ये मोतियों के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन मोतियों के समान जो संरचनाएं होती हैं इनको क्रोमोमियर्स कहा जाता है, वर्णकणिका या क्रोमोमियर्स कहा जाता है। और ये सारे गुणसूत्र जो है इस अवस्था के अंदर जो है कोशिका इसका जो केंद्रक द्रव्य होता है उसके अंदर एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, एक समान रूप से बिखरे हुए इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहली अवस्था है लेप्टोटीन अवस्था। ठीक है, अब इस लेप्टोटीन के बाद जो है दूसरी अवस्था आती है जाइगोटीन अवस्था। प्रोफेज फर्स्ट की दूसरी उप अवस्था है जाइगोटीन अवस्था। इस जाइगोटीन अवस्था के अंदर जो है दो मेन क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। सबसे पहली क्रिया क्या होती है इस अवस्था के अंदर, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र है उनके युग्म बनते हैं, उनके जोड़े बनते हैं। जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से जुड़ करके युग्म बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है। दूसरा काम होता है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, युग्म बन गए हैं, उनके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, उनके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो काम होते हैं इस अवस्था के। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, सिनेप्सिस का निर्माण होता है। सिनेप्सिस क्या होते हैं, सिनेप्सिस क्या होते हैं, जब दो समजात गुणसूत्र, समान गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, युग्म बनाते हैं, उस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनको सिनेप्सिस कहते हैं। अब समजात गुणसूत्र कौन से होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं उसमें एक जो है गुणसूत्र जो है वो मातृ से आता है और दूसरा पितृ से आता है। कोई भी संतति है उसमें एक गुणसूत्र जो है उसका आधा भाग मातृ से आता है, आधा पितृ से आता है, और दोनों वो मिल जाते हैं, वो मिल करके वो समजात गुणसूत्र का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वो दोनों एक जैसे होते हैं, वो मिलकर के समजात गुणसूत्र बनाते हैं। और इस अवस्था के अंदर इसको समजात गुणसूत्र जब जोड़े बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं, तो उसको बाइवलेंट या युगली कहा जाता है, बाइवलेंट या युगली कहते हैं। तो ये हम इस अवस्था के अंदर देख सकते हैं। तो ये देखिए, दो हमने यहाँ ये एक ही क्रोमोसोम है, एक जो समजात क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक व्हाइट कलर के अंदर है, ये एक मान लीजिए पितृ से है, और ये जो ब्लू कलर के अंदर है ये मातृ गुणसूत्र है।
तो दोनों आपस में मिल गए और मिल करके इन्होंने सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कर लिया है। सिनेप्सिस हो गए, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बाइलेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस अवस्था के अंदर चेंज होते हैं, यानी संजात अवस्था इस अवस्था के अंदर जोड़े बना लेते हैं और जोड़े बना करके इस तरह से इसके अंदर व्यवस्थित हो जाती है। अब इसके बाद इसकी अगली अवस्था आती है। अब इसमें जो ये जोड़े बनाने का काम है वो भी आदर्श रूप से होता है, मतलब ये कि जो संजात गुणसूत्र हैं वो उनके जो क्रोमोमियर्स हैं वो उसमें आपस में जोड़े बनाती हैं। सेम लोकेशन वाला क्रोमोसोम जो क्रोमोमियर है वो दूसरे संजात गुणसूत्र के सेम लोकेशन वाले क्रोमोमियर से ही मिलता है। ठीक है, तो एक आदर्श रूप से यहाँ पर ये इनके सिनेप्सिस की क्रिया जो है होती है। इसके बाद जो है ये प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था लैक्टोटीन होगी, उसके बाद जाइगोटीन होगी। अब इसके बाद तीसरी अवस्था आती है पैकेटीन। पैकेटीन अवस्था जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था के अंदर भी दो मुख्य बातें होती हैं, दो मेन जो इसमें पॉइंट होते हैं। सबसे पहला है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा पुनर्योजन। क्रॉसिंग ओवर और पुनर्योजन की क्रिया जो है ये पैकेटीन अवस्था के अंदर होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर सूत्रीवादी की कौन सी अवस्था में होती है, तो किस अवस्था के अंदर होती है, पैकेटीन अवस्था के अंदर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं जो बायोलेंट होते हैं वो अत्यधिक संघनित होते हैं और संघनित होकर के छोटे और मोटे हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। अब ये जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र पूरी लंबाई के अंदर जो है वो अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ये बायोलेंट था, ये बाइवलेंट था, अब ये स्प्लिट हो जाता है यहां से और स्प्लिट होकर के टेट्रावलेंट के अंदर चेंज हो जाता है, चतुष्टक के अंदर चेंज हो जाता है। जो युगली थे, बाइवलेंट थे, वो चतुष्टक के अंदर चेंज होते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं इसे पहले वाला जो डायग्राम था उसके अंदर इसमें दो भुजाएं थी, अब इसके अंदर एक गुणसूत्र में चार भुजाएं हो गई है। ठीक है, ये बाइवलेंट से टेट्रावलेंट के अंदर चेंज हो जाती थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये टेट्रावलेंट बन गए हैं, अब इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किसमें होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो संजात गुणसूत्र के अभाग्नि क्रोमेटिड के बीच में होती है। जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है वो संजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के ये दो क्रोमेटिड हैं, एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया, तो ये इसके दो क्रोमेटिड है और ये दोनों जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और इसके साथ ही हमने एक इसका संजात गुणसूत्र बनाया, ये इसका संजात गुणसूत्र है। यानी अगर ये पिता से आया है, ये माता से आया है, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ये इसके दो क्रोमेटिड हैं, ये इसके दो क्रोमेटिड हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, ये संजात गुणसूत्र हैं और ये इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये वाला और ये वाला दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं और इन्हीं के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर की जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये देखिए हमने ये दो संजात गुणसूत्र बनाए हुए हैं और इनके ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक इसका क्रोमेटिड है व्हाइट वाले का, एक ब्लू वाले का है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के लिए जो है पुनर्योजन एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। पुनर्योजन एंजाइम की सहायता से क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और इस क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के अंदर होता क्या है, इसके अंदर गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। यानी इस संजात गुणसूत्र जो है इनके जो क्रोमेटिड है इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा एक से टूट करके दूसरे क्रोमेटिड के अंदर जुड़ जाता है, यानी गुणसूत्रीय खंडों का इसके अंदर आदान प्रदान होता है जिससे जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर के कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र जो है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो टूट करके एक से दूसरे के अंदर जुड़ जाएगा और दूसरे से पहले के अंदर जुड़ जाएगा।
ठीक है, जिससे उसके कारण उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। तो ये अवस्था थी पैकेटिन अवस्था। पैकेटिन अवस्था के अंदर क्रोसिंग और पुनर्योजन की क्रिया होती है। उसके बाद अगली अवस्था है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो अवस्था होती है, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर जो है जो संजात गुणसूत्र होते हैं उनका पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है। संजात गुणसूत्र जो है आपस में जुड़े हुए थे, जो उनके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ था, अब वो एक दूसरे से पृथक होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इनका अलग होने का जो पैटर्न है वो सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है। तो दो ऐसे क्रोमोसोम है, अगर ऐसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इसके साथ में दूसरा क्रोमोसोम है जो इसके साथ में अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो ये जब अलग होंगे तो यहां से इनका सेपरेशन स्टार्ट होता है, सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है, यहां से बीच में से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ऐसे सिरे की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होकर ये सिरे की ओर जाता जाता है। इस प्रक्रिया को सीमांतीकरण या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। यहां हम देख सकते हैं, तो ये जो है यहां गुणसूत्र जो है यहां से क्रोमेटिन जो इनके सेंट्रोमियर यहां से ये अलग होना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे ये अलग होते होते ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो यहां पर इस तरह से एक एक्स के आकार की संरचना बनाते हैं जिसको क्यास्मा कहा जाता है। क्यास्मा क्या है ये भी पूछा जाता है कि क्यास्मा कहां पर कौन सी अवस्था के अंदर बनता है, तो डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्यास्मा बनता है। सीमांतीकरण की प्रक्रिया डिप्लोटीन अवस्था के अंदर होती है, ठीक है। तो क्यास्मा वास्तव में क्या है, क्यास्मा वास्तव में वो संधि स्थल है, वो स्थान है जहां पर दो जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से इस तरह से एक्स की आकृति बनाते हुए या क्रॉस की आकृति बनाते हुए जुड़े होते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्यास्मा कहा जाता है। और ये क्यास्मा जो है ये क्रॉसिंग ओवर का परिणाम है। ये अवस्था जो है इस तरह की अवस्था जो बढ़ती है वो क्यों बनती है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण ही बनती है, जीन विनिमय के कारण ही बनती है, ठीक है। तो ये क्यास्मा का निर्माण जो है वो इस डिप्लोटीन अवस्था के अंदर होता है। तो इसका जो है यहाँ से सीमांतीकरण प्रारंभ हो जाता है, सीमांतीकरण इसमें चलता रहता है और ये जो संजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद इसकी अगली अवस्था आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर डाइकाइनेसिस में जो इसमें क्यास्मा जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। जो क्यास्मा बना था वो पूरी तरह एक्स के आकार की संरचना थी, वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। मतलब ये कि सीमांतीकरण जो की प्रक्रिया जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी जो टेट्राड था उसके क्रोमेटिड जो थे आपस में जुड़े हुए थे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सीमांतीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है वो धीरे धीरे लुप्त होना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। और तंतु तंतुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो बाइवलेंट बन गए थे टेट्राड से, जो बाइवलेंट बन गए अलग होकर के, वो बाइवलेंट जो मध्य प्लेट है, जो कोशिका का मध्य है भाग है, उस मध्य प्लेट की ओर गमन जो है वो प्रारंभ कर देती है, ठीक है। क्योंकि तो आगे मेटाफेज अवस्था आने वाली है, तो ये मेटाफेज प्लेट की ओर जो है वो मध्य की ओर जो है जाने लग जाते हैं और गुणसूत्र जो है और ज़्यादा छोटे और मोटे हो जाते हैं, संग्रहित होकर के और ज़्यादा छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये दोनों जो है वो एट्राट वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली अवस्था आती है डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज अवस्था जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली अवस्था आती है मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट जो अवस्था है यहाँ पर हम देख सकते हैं, मेटाफेज फर्स्ट अवस्था ये वाली अवस्था, इसमें क्या होता है केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा पर पहुंच करके इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो मध्य रेखा है कोशिका की वहां पर पहुंच करके इस तरह से ये मेटाफेज प्लेट का निर्माण कर लेते हैं और ये गुणसूत्र जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके जो सेंट्रोमियर होते हैं वो ध्रुवों की ओर होते हैं और जो इनकी भुजाएं होती हैं वो मेटाफेज प्लेट की ओर होती है। यानी कि जो ये सेंट्रोमियर है ये ध्रुवों की ओर है, पोल्स की ओर है, और इनकी भुजाएं जो है ये मेटाफेज प्लेट की ओर है, सेंटर की ओर है।
इस प्रकार से क्रोमेटिक जो है वो इसमें व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और ये मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें तर्क तंतु का निर्माण हो जाता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे जो चेंजेज हैं मेटाफेज अवस्था के अंदर होते हैं। उसके बाद इसकी अगली अवस्था आती है एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। अगली अवस्था एनाफेज फर्स्ट है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर जो बाइवलेंट के समजात गुण सूत्र होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होकर अपना प्रारंभ कर देते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर गमन प्रारंभ हो जाता है। हम देख सकते हैं कि ये समजात गुण सूत्र के जो समजात गुण सूत्र वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर जो ये बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, और इस अवस्था तक जो अलग हो गया वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार से एक जो द्विगुणित गुण सूत्र हैं वो अगुणित के अंदर 2n जो है वो अगुणित n के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये 2n से n के अंदर परिवर्तित हो जाता है, गुण सूत्र की संख्या जो वो आधी रह जाती है, ठीक है। इसके बाद अगली अवस्था है टीलोफेज फर्स्ट है। टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर जो है जो गुण सूत्र हैं वो ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं और उनके चारों ओर जो है केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो टीलोफेज फर्स्ट के अंदर उनके चारों केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रिका भी पुनः प्रकट हो जाती है, ठीक है। और गुणसूत्र जो होते हैं वो लंबे पतले हो जाते हैं, अकुंडलित होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्रोमेटिन जाल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। लंबे पतले अकुंडलित होकर के क्रोमेटिन जाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या जो है इस अवस्था के अंदर आधी रह जाती है, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या आधी रह गई है और ये दो केंद्र जो है एक कोशिका केंद्र बन जाते हैं, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, केंद्रिका केंद्र झिल्ली ये पुनः प्रकट हो चुकी है। तो इस तरह से ये टीलोफेज अवस्था इसकी पूरी हो जाती है। अब इसके आगे जो है फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन फर्स्ट होगा, फर्स्ट कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद ये कोशिकाएं जो है वो बढ़ जाएगी दो कोशिकाओं के अंदर, कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। जैसे हमने अर्धसूत्र विभाजन के अंदर देखा था कि पालकों के अंदर जो है पट्टिका निर्माण विधि से और जंतुओं के अंदर खांच निर्माण विधि से कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे ये दो कोशिकाओं के अंदर बट जाएगी, दोनों कोशिकाएं अगुणित होगी, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या आधी होगी। फिर इसके बाद इंटरफेज अवस्था आएगी, इंटरफेज फर्स्ट आएगी। इंटरफेज फर्स्ट के अंदर वही G1S G2 अवस्था आएगी, लेकिन ये अवस्था बहुत कम समय के लिए आती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए इसके अंदर जो है जो गुणसूत्र DNA और उसका द्विगुणन नहीं होता है, ठीक है। तो DNA का द्विगुण नहीं होता है, इस कारण से जो छोटी अवस्था होती है। फिर उसके बाद अगली अवस्था आएगी अर्धसूत्र विभाजन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्र विभाजन सेकंड जो उसमें प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज के बाद मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड, ठीक है। ये चारों अवस्था आएंगी, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य सेकंड होगा विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन सेकंड होगा, और इससे जो है ये दो कोशिकाएं बनी है, फिर वापस से ये दो कोशिकाओं की ओर बट जाएगी और चार कोशिकाएं बन जाएगी और चारों कोशिका में विभाजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है बिल्कुल सेम जो है समसूत्री विभाजन की तरह होता है। जैसे हमने समसूत्री विभाजन के अंदर पढ़ा था, सेम वही चीज जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर होती है। उसमें मुख्य जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, जिसके अंदर ये सारे स्टेप थे। तो अब ये कोशिकाएं बन गई हैं, इनके अंदर आगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, जो कि बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होता है, ओके। और इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका के विभाजन से चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, ओके, थैंक यू।